हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेश शर्मा। वेलकम टू बायोटोनिक क्लासेस। आज अपना टॉपिक है सेगमेंटेशन एंड नोटोकोड इन एनिमल किंगडम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेगमेंटेशन, कि सेगमेंटेशन क्या होता है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो एनसीईआरटी में देखते हैं। व्हेन ए बॉडी डिवाइडेड व्हेन ए बॉडी डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली इंटू सेगमेंट्स विथ सीरियल रिपीटेशन एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। अब ये डिफिनेशन दे रखी है, मींस कोई भी बॉडी होती है उसमें एक तो इंटरनल सरफेस होता है और एक एक्सटर्नल होता है। अब वो उसमें क्या होता है कि वो बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है। कहीं में डिवाइड हो जाती है, सेगमेंट में हो जाती है। और कहाँ तक होती है, सीरियल, जैसे बोला यहाँ पे सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन, ठीक है। मीन्स क्या हो रहा है, कुछ ऑर्गन्स तक वो रिपीट होने चाहिए सेगमेंट, उसको क्या बोलते हैं सेगमेंटेशन। अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये कॉपी ली है, ठीक है, ये कॉपी है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक बॉडी है जिसमें कोई भी ऑर्गन, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर इसका ऑर्गन है, ठीक है, ये बॉडी है जिसमें उस ऑर्गन का, मतलब उस ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गन यहाँ पर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब इस डेफिनेशन से हमें रिलेट करना है। व्हेन ए बॉडी बॉडी डिवाइड हो रही है, अब डिवाइड हो रही है कहां पे, एक्सटर्नली और इंटरनली, कहां में, सेगमेंट में। तो मैं बोल देता हूं ये इसका इंटरनल पार्ट है, ठीक है, और ये इसका एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इंटरनल पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस तरह से। और कहां तक करना है, सम ऑर्गन्स तक, बोला ना डेफिनेशन, कुछ ऑर्गन्स तक सीरियल रिपीटेशन कराना है। ये तो क्या इंटरनल में, सेम टू सेम एक्सटर्नल में भी हमें क्या कर लेना है, ये जो ऑर्गन यहां तक था वहां तक इसका करा दिया। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। व्हेन अ बॉडी डिवाइड्स इनटू सेगमेंट इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ठीक है, इनटू सेगमेंट्स विद सीरियल रिपीटेशन, सीरियल रिपीटेशन हो रहा है अप टू सम ऑर्गन्स, दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, ओके। अब हमें देखना है, देखो ये तो डेफिनेशन है, कोई काम की है नहीं, समझा दिया मैंने, क्योंकि बहुत सारे को समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो नीट में आती है, आपने देखा होगा अर्थवर्म का नाम सुना है, अर्थवर्म एनिलिडा का, एनिलिडा जो है उस फाइलम का है। तो अर्थवर्म जो है उसमें इस टाइप का सेगमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, क्या अर्थवर्म में सेगमेंटेशन होता है, हाँ होता है, ठीक है। सेगमेंटेशन अर्थवर्म में होता है, उसको एक नया नाम दे दिया यहां पर, क्या दे दिया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, क्या दे दिया, बस नाम दिया है, अलग से कुछ चीज नहीं है। सेगमेंटेशन अर्थवर्म में जो सेगमेंटेशन होता है उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोल देते हैं, खत्म, ठीक है। और याद रखना भैया, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज फाउंड इन अर्थवर्म, खत्म, ठीक है। और अगर फाइलम का नाम पूछा, कुछ भी दे दिया, तो एनिलिडा, ठीक है। अब हमें इस, ये जो फिनोमेना जो होता है, इस टाइप का सेगमेंटेशन जो अर्थवर्म में पाया जाता है, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, फिनोमेना क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक है। एनसीईआरटी में दो तीन लाइनें दे रखी है, ये मैंने खत्म कर दिया, अच्छे से समझा दिया आपको, बहुत अच्छे से, ठीक है। ये सेगमेंटेशन यहाँ पर हमारा खत्म होता है। मेटामेरिक, तो बताइए आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ होता है, अर्थवर्म में होता है, ठीक है। और इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नोटोकोड, नोटोकोड क्या होता है। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, बोलते ना अपन कोई भी ऑर्गन है या कोई भी चीज हमारे शरीर में है,
उसका ओरिजिन पूछते हैं कि भैया ओरिजिन क्या है इसका। और मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, एम्ब्रियोनिक लेयर तीन तरह की होती है, तीन टाइप्स की होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ नोटोपोड जो है कौन सी लेयर से उत्पन्न प्रोड्यूस होती है। तो याद रखना इसका ओरिजिन जो है, किसका ओरिजिन, नोटोपोड का ओरिजिन याद रखना मेसोडर्मली, मीन्स मेसोडर्म से होता है, ठीक है, मेसोडर्म से होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है नेचर कि मेसोडर्म मेसोडर्म से आता है, एक्टोडर्म से आता है या एंडोडर्म से आता है नोटोकोड। तो याद रखना मेसोडर्म से आता है, पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा याद रखना कि हमारी बॉडी में ये कहाँ होता है, वेंट्रल और डोर्सल। पहली बात तो ये बताओ कि वेंट्रल और डोर्सल क्या होता है, ठीक है, जिसको याद अच्छी बात है, नहीं याद है वो सीख लो। हमारी बॉडी का जहाँ चेस्ट है, ठीक है, ये पूरा जो आगे का पार्ट है इसको वेंट्रल बोलते हैं और ये जो पीछे का पार्ट है इसको डोर्सल बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना नोटोकोड जो है हमारे शरीर में डोर्सली पाई जाती है, डोर्सली, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पहला हो गया, दूसरा ये हो गया, डोर्सली होती है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं बता दूं आपको नोटोकोड जहां होती है, नोटोकोड जिस फाइलम में, जिस ऑर्गेनिज्म में होती है उनको बोलते हैं कोर्डेट्स। क्या बोलते हैं, नोटो, अगर क्या लिखेंगे हम, इफ नोटोकोड प्रेजेंट देन दे आर कॉल्ड, द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कोर्डेटा या कोर्डेट्स, कोर्डेट्स। और इफ नोटोकोड एब्सेंट देन उनको क्या बोलेंगे, नॉन कोर्डेट्स, नॉन कोर्डेट्स। तो देखो इसमें कौन आता है, नोटोकोड में कोर्डेट, कोर्डेट्स तो कोर्डेट तो होगा ना, कोर्डेटा ही है, जो लास्ट फाइलम है इस चैप्टर का वो तो कोर्डेटा ही है। अब हमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कोई कि नॉन कोर्डेट कौन होते हैं, नॉन कोर्डेट कौन होते हैं। तो याद रखना नॉन कोर्डेट में आएगा पोरीफेरा टू, बताओ पोरीफेरा टू इकाइनो डर्माटा। यार मैंने कोर्डेट से पहले हेमिकोर्डेट्स आता है उसको क्यों नहीं लिखा नॉन कोर्डेट्स में, क्योंकि मैं बता दूं बेटा पहले जब क्लासिफिकेशन था तो हेमिकोर्डेट जो है ना वो सब फाइलम है किसका, कोर्डेट्स का, इसलिए उसको यहाँ इंक्लूड नहीं करते, एक तरीके से देखे तो कोर्डेट ही है, ठीक है। तो ये हमारा नोटोकोड जो है ये फिनिश हुआ। क्या क्या रखना है, इसका ओरिजिन मेसोडर्मल होता है, ये हमारी बॉडी में डोर्सली पाया जाता है, नॉन कोर्डेट जो है वो कौन कौन होते हैं और कोर्डेट्स में तो अंडरस्टूड है पहले से। तो ये हमारा टॉपिक नोटोकोड जो इतना सा दे रखा है एनसीईआरटी में ये खत्म हुआ। अब यहाँ पर एक और चीज है, बताइए आप, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी ने कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बताइए क्या होता है। तो मैं बोल दूं सबसे पहले इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यार ठीक है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन हमें क्या है कि समझ में नहीं आ रहा मीनिंग क्या है, समझो। देखो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है देखते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी फाइलम है, ठीक है, उसमें उसकी बॉडी में अगर सिंगल ओपनिंग है, क्या है, सिंगल ओपनिंग है, वो किस कैटेगरी में आएगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में नहीं आया सर, सब देखो क्या देखेंगे हम, मैंने क्या बोला यहां क्या होगी, सिंगल ओपनिंग। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब टू ओपनिंग्स, कितनी होगी, टू ओपनिंग्स। आर एस में कितनी, यहां है दो, यहां क्या है एक। तो एक चीज बताओ, जैसे कि मैं ही हूं आप ही हो, अपन में कितनी ओपनिंग्स है, टू ओपनिंग्स है, ठीक है, एक तो माउथ और एक एनस। माउथ से खाना अंदर जाता है, एनस से खाना बाहर निकलता है, टू ओपनिंग्स हुई कि नहीं हुई।
लेकिन सिंगल ओपनिंग वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी फाइलम होते हैं, उनमें क्या होता है, एक ही ओपनिंग होती है, तो वही माउथ रहेगा और वही एनस रहेगा, मीन्स खाएगा भी वही वहीं से और निकालेगा भी वहीं से। आ रहा है समझ में? जैसे कि तुम क्या बोलेगे, यहाँ पर क्या बोला मैंने कि माउथ माउथ और एनस नहीं होते, यहां बस क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होती है। अब ये सिंगल ओपनिंग दोनों का काम करती है, माउथ का भी और एनस का भी, और यहां क्या होती है, टू ओपनिंग। तो यार यहां माउथ भी होता है और यहां पर एनस भी होता है, दोनों अपना अपना काम करेंगे। अब बस समझना है इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम में क्या है। इनकम्प्लीट मतलब सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग क्या होता है, जिसमें एनस और माउथ दोनों का काम करेगी, खाएगा भी वहीं से निकलेगा भी वहीं से। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है, एनस अलग माउथ अलग, खाएगा अलग तरीके से निकलेगा दूसरी जगह से। आ रहा है समझ में? अब हमें यह काम की चीज़ बताओ ना, ये सब तो कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल याद रखो ठीक है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पाया जाता है प्लेटी हेलमेंथिस। देखो ये जो मैंने इनकम्प्लीट कंप्लीट पढ़ाने का बस एक ही उद्देश्य है, वो क्या है, प्लेटी हेलमेंथिस। ये याद रखना कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है किसमें पाया जाता है, प्लेटी हेलमेंथिस में, खत्म बस, और कुछ भी याद नहीं रखना है। अब बोलोगे इसमें कौन, तो एनसीईआरटी में क्लियर कर ही रखा कि किसमें कंप्लीट है ठीक है, तो हमें ज्यादा माइंड भी नहीं चलाना है, हमें याद रखना किसका, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड इन प्लेटी हेलमेंथिस, खत्म। तो ये हमारा अभी तक जो है जनरल इंट्रोडक्शन खत्म हुआ एनिमल किंगडम का। कि अब देखिए आपके सामने जो चार्ट है, मेरी जो थ्री वीडियोस हैं, तीन जो लेक्चर थे मेरे, एनसीईआरटी के जो तीन पेज हैं, वो पूरे के पूरे इस चार्ट में आ गए हैं ठीक है। इसको ध्यान से देखिए मैंने किस तरह से बनाया। सबसे पहले हम देखें तो मैंने क्या किया है, 11 के 11 जो फाइल है उनको बना दिया है। उसके बाद में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। तो देखिए पेरिफेरल में सेलुलर लेवल, सिलेटेटर टीनोफोरम में टिश्यू लेवल, प्लेटियल मेंथिस में ऑर्गन लेवल, और एस्केल मेंथिस से लेकर कोडेटा तक मैंने ऑर्गन सिस्टम लेवल बना दिया है। इसके बाद में हमने पढ़ा था सिमेट्री ठीक है, तो पेरिफेरा इसमें एसिमेट्रिक ठीक है, सिलेटेटर टीनोफोरा इसमें रेडियल सिमेट्री, और प्लेटियल मेंथिस से लेकर कोडेटा तक हमने पढ़ा है बायलेटरल सिमेट्री। इकानोडर्मेटा में एक कॉम्प्लेक्सिटी थी जो मैंने पहले भी बता दी, एक बार और बता रहा हूँ, एडल्ट जो है एडल्ट में रेडियल होता है और लार्वा जो है उसमें बायलेटरल होता है, किसकी, इकानोडर्मेटा में ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो डिप्लोब्लास्टिक जो है बस और बस एनसीईआरटी में सिलेंटेटा, इसलिए सिलेंटेटा ही लिखा है, इसके सामने एरो बनाया है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखिए आप यहाँ से एरो बनाया है कोडेटा तक, कहाँ से, प्लेटियल मेंथिस से। इसके बाद में हमने पढ़ा था सिलोम के बारे में, तो ए सिलोमेट जो है प्लेटियल मेंथिस हो गया, एसकेल मेंथिस सिलोमेट हो गया, और सिलोमेट जो है ये एनिलिडा से लेके कोडेटा तक हो गया ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा है नोटोकोड, नोटोकोड में देखा जाए तो नोटोकोड जो है उसमें कोडेड नॉन कोडेड था, तो नॉन कोडेड जो है पोरीफेरा से लेके इकानोडर्मेट तक होते हैं नॉन कोडेड्स, और ये जो दोनों है लास्ट के इनको कोडेड बोलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे पोरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा है इनमें सिलोम किस टाइप का होता है, तो याद रखना क्या बोल दोगे आप, ए सिलोमेट होता है। क्या होता है, ए सिलोमेट ठीक है। प्लीज आपसे निवेदन है कि या तो स्क्रीनशॉट ले लें पूरा का पूरा, या फिर इसको नोट कर लें, क्योंकि तीनों के तीन पेज जो एनसीईआरटी के वो एक ही चार्ट में आ गए हैं और यही काम कर ठीक है। ओके थैंक यू।